आसा के बांदीकुई से बड़ी खबर, न्यायालय के शिफ्टिंग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन उग्र हुआ। तहसील परिसर में पानी की टंकी पर चढ़ गए करीब एक दर्जन वकील और पानी की टंकी पर चढ़कर नारेबाजी वकील कर रहे। साथ ही कोलाना में हाल ही में निर्मित हुई कोर्ट में वकील शिफ्ट होना नहीं चाहते, सुविधाओं के अभाव को लेकर शिफ्ट नहीं होना चाहते। कोर्ट ने सोमवार से शिफ्टिंग को लेकर आदेश जारी किया है। तो पानी की टंकी पर चढ़कर ये वकील नारेबाजी कर रहे हैं। कोलाना में हाल ही में निर्मित हुई कोर्ट में वकील शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। वकीलों का कहना है कि वहां पर सुविधाओं का अभाव है और इस वजह से वहां शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। कोर्ट ने सोमवार से शिफ्टिंग को लेकर आदेश जारी किया है। दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर, वकीलों की ओर से कहा जा रहा है कि सुविधाओं का अभाव है और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर, पानी की टंकी पर एक दर्जन वकील चढ़ गए। शिफ्टिंग को लेकर वकीलों का ये प्रदर्शन उग्र हो गया। पानी की टंकी पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राकेश गुप्ता फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में, कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी हैं जिनका अभाव वकीलों की ओर से कहा जा रहा है और वो शिफ्टिंग नहीं करना चाहते हैं? मैं बताना चाहूंगा, बांदीकुई न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है। न्यायपालिका के वकील ये चाहते हैं कि जो कोर्ट अभी हाल ही में जो कोलाना में निर्मित हुई है, करीब 4-5 करोड़ की लागत से बड़ी बिल्डिंग बनी है जी, चैम्बर नहीं बनाई गई। इसके अलावा पानी और अन्य सुविधाओं से कोर्ट में अभी कोई विशेष सुविधाएं नहीं की गई हैं। इसको लेकर वकीलों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी और वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और लिहाजा यही कारण रहा कि वो आज जब सोमवार को आज जब कोर्ट ने अपर जिला एवं शासन न्यायाधीश ने सोमवार से यानी कि 26 फरवरी से कोर्ट के शिफ्टिंग के आदेश जारी कर दिए कि नया कोर्ट अब कोलाना में शिफ्ट होगा, नया कोर्ट वहाँ से नई कोर्ट की जो भी प्रक्रिया है वहाँ से जारी कर दी। ऐसे वकीलों की नाराजगी आ गई, वो पिछले 4-5 दिनों से धरने पर भी थे और आज उन्होंने ये फैसला लिया। वो पंचायत समिति में बने पानी की टंकी पर हालांकि पुलिस का जाब्ता तैनात हो गया था ताकि वकील पानी की टंकी पर नहीं चढ़े, लेकिन वो तहसील पे पहुंच गए और करीब 15-20 वकील इस समय जो मैं देख पा रहा हूँ सीधे वकील इस समय पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, भारत बंद नहीं लेके नारे लगा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राकेश, ये बताएं क्या प्रशासन की ओर से कोई समझाइश नहीं हो रही है, प्रशासन क्या मौके पर मौजूद नहीं है? देखिए, वकीलों का कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रशासन से बातचीत तो चल रही थी, लेकिन संभवतः आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा था। इन्होंने हाईकोर्ट में भी अपनी एक याचिका लगाई थी, हाईकोर्ट में भी इनके एक जज साहब से बातचीत हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मामला बैठा नहीं और लगता है यही वजह रही कि कोर्ट ने आखिरकार ये तीसरा आदेश है जो कोर्ट ने तीसरा आदेश जारी कर और 26 तारीख से कोर्ट के शिफ्टिंग का आदेश जारी कर। चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो पानी की टंकी पर अपनी मांग को लेकर ये वकील चढ़ गए और उनका कहना है कि जो कोर्ट में शिफ्ट करने के आदेश हैं उस कोर्ट में सुविधाओं का अभाव है।